दोस्तों जैक स्नाइडर ने जब मैन ऑफ स्टील के साथ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की बुनियाद रखी थी तब जैक स्नाइडर ने एक अलग विजन लेकर इस यूनिवर्स को बिगिन किया था, जो कि हम फैंस को अब अच्छे से पता है कि उनका डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को लेकर क्या प्लान था, जिस पर आज भी बहुत सारे स्नाइडर फैंस का यही कहना है कि वार्नर ब्रोस को स्नाइडर वर्स को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देना चाहिए था। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। भाइयों, आज इस वीडियो को बनाने का मेरा यही रीजन है कि रिसेंटली स्नाइडर वर्स को लेकर एक डिटेल निकल कर आई है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इसके अलावा बिग शाउट आउट टू माय डियर सब्सक्राइबर इरफान खान पठान, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने की सजेशन दी थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए खोलता हूँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जब जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील के साथ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को बिगिन किया था तो उस समय फैंस का अच्छा खासा रिस्पांस आया था, लेकिन आगे चलकर जैक स्नाइडर की फैमिली में हादसा होने की वजह से एंड इसके अलावा वार्नर ब्रोस के अंदर इतने सारे कॉन्ट्रोवर्सी होने के कारण डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। लेकिन लेटर फैंस को जैक स्नाइडर के विजन का पता चला एंड फैंस के इतने हैशटैग चलाने के बाद फाइनली हमें जैक स्नाइडर वाले जस्टिस लीग की मूवी देखने को मिली थी, जो कि सच में एक ऑसम मूवी थी। लेकिन फिर भी वार्नर ब्रोस ने स्नाइडर वर्स को आगे कंटिन्यू नहीं किया था। आज के टाइम में वार्नर ब्रोस के नए सीईओ डेविड जेस्लम ने जेम्स गन एंड पीटर सैफ्रॉन को न्यू डीसीयू का को सीईओ बना दिया है एंड अब वो अपने न्यू डीसीयू के प्लान को लेकर तैयार भी हैं, जो कि प्रोबेबली हमें 2 या 4 दिन में न्यू डीसीयू का अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगा, जिस टॉपिक को डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ही। खैर, जेम्स गन को डीसीयू में आने के बाद कुछ फैंस को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो स्नाइडर फैंस थे उनको फर्क पड़ा। यहाँ तक कि स्नाइडर फैंस ने जेम्स गन को काफी हद तक बैंड बजा दिया है न्यू डीसीयू के डिसीजन को लेकर, जिस पर मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक जेम्स गन के प्लान को हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं तब तक जेम्स गन को कुछ भी कहना बिल्कुल गलत होगा। बट रिसेंटली स्नाइडर फैंस फिर से एक मूवमेंट चलाना शुरू कर चुके हैं जिससे लोगों का ऐसा मानना है कि मे बी स्नाइडर वर्स को फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है। बट मेरे भाइयों, मैं आप लोगों तक कोई गलत न्यूज नहीं पहुंचाना चाहता हूं, तो मैंने इस बारे में रिसर्च किया एंड फाइनली मुझे ये सारा माजरा समझ में आ गया है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बात असल में ये है कि कुछ कट्टर स्नाइडर फैंस ये चाहते हैं कि वार्नर ब्रोस स्नाइडर वर्स के यूनिवर्स को नेटफ्लिक्स को सेल कर दे एंड नेटफ्लिक्स वाले जैक स्नाइडर के साथ मिलकर स्नाइडर वर्स को कंटिन्यू करे, जिस पर फैंस ने फिर से हैशटैग कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें से एक पोस्ट को खुद जैक स्नाइडर ने भी लाइक किया है, जिस पर स्नाइडर फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि शायद जैक स्नाइडर भी यही चाहते हैं। इस बात का लॉजिक ये है कि वार्नर ब्रोस वाले नेटफ्लिक्स के साथ ये डील करके स्नाइडर वर्स के जस्टिस लीग के डिसकंटिन्यूड स्टोरी लाइन को फिनिश करना चाहते हैं एंड इसके अलावा आयर कट वाले सुसाइड स्क्वाड मूवी एंड बेन एफ्लेक वाले बंद किए गए बैटमैन के मूवी को भी फिर से स्टार्ट किया जा सके। जिससे रिलेटेड सोशल मीडिया पर एक बंदे ने एक वीडियो की लिंक शेयर की, जिस वीडियो में स्नाइडर वर्स की इस न्यू मूवमेंट को एक्सप्लेन भी किया गया है, जिसे खुद जैक स्नाइडर ने भी लाइक कर दिया था, जिस पर फैंस और भी ज्यादा खुश हो गए थे कि जैक स्नाइडर खुद इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो मे बी फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्या सीरियसली आज के टाइम में ये पॉसिबल है? देखो भाई लोग, मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ कि जब लोग इतने सारे हैशटैग मूवमेंट चला रहे हैं इसको पॉसिबल कराने को, तो ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि भाई आज के टाइम में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो वार्नर ब्रोस के नए सीईओ डेविड जेस्लम ने ये हिंट दे दिया था कि वो लोग स्नाइडर वर्स को लेकर आगे नहीं जाने वाले हैं एंड अब तो जेम्स गन एंड पीटर सैफ्रॉन भी अपने नए डीसीयू के यूनिवर्स के बाइबल को लेकर बिल्कुल रेडी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो वार्नर ब्रोस ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, लेकिन जेम्स गन के न्यू डीसीयू को आने के बाद उनके प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। भाई मैं पर्सनली एज ए फैन यही चाहता हूँ कि स्नाइडर वर्स को नेटफ्लिक्स पर कंटिन्यू किया जाए, बट रिसेंटली डीसीयू को लेकर जैसी सिचुएशन है उससे तो ऐसा लगता है कि 2-3 सालों तक ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। एंड वैसे भी डेविड जेस्लॉफ फैंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं डीसीयू के दो दो यूनिवर्स को दिखाकर। तो भाई लोग, ये थे स्नाइडर वर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। वैसे न्यू डीसीयू को लेकर जेम्स गन का क्या प्लान है उस पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो एवरीवन, यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।